आप सभी को नमस्कार। गेस्ट हाउस के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि कुछ राजा होते हैं जो कबीले पर राज करते हैं, कुछ राजा ऐसे होते हैं जो शहरों पर राज करते हैं, और कुछ राजा ऐसे होते हैं जो देश पर राज करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। अल्ताफ रजा साहब का जोरदार तालियों के साथ। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गेस्ट हाउस में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे ये तो मेरा फर्ज है, आप इतने प्यार से बुलाया आपने मुझे। मैं दर्शकों को बता दूं कि अल्ताफ साहब और मुझ में एक चीज कॉमन है जी, आप भी फेल हुए हैं जी, और मैं भी फेल हुआ हूँ जी। वेरी गुड। बस फर्क इतना है कि मैं एक बार हुआ हूँ, अल्ताफ साहब दो बार हुए। इस मामले में भी ये मेरे सीनियर निकले जी। तो सर क्या किस्सा था, जब फेल आप हुए तो पहला रिएक्शन क्या था घर वालों का? घर वालों का तो हमारी मम्मी तो बहुत यानी सीधी भी कहिए बहुत प्यारी थी जी। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई है ही नहीं। अच्छा। तो तू हुनर सीख जी 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 जी। और घर के अंदर तो म्यूज़िक का तो माहौल था ही जी। और बात भी हकीकत भी सही है कि अगर मैं कुछ एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर लेता तो आज मैं आपसे यहाँ गुफ्तगू नहीं कर रहा होता, शायद कुछ और बन जाता। दिस इज़ इन डेस्टिनी कि जो होना है वो होकर रहता है। तो ये मंजूर था ऊपर वाले को भी कि मैं कोई हुनर सीखूं, क्योंकि पढ़ाई लिख के भी कुछ जॉब कर लेता मैं, आज उससे तो बेहतर ही हूँ मैं जी जी जी। तो बस उसके पीछे। लेकिन कुदरत का कमाल देखिए सर, जिस स्कूल ने आपको SSC का सर्टिफिकेट नहीं दिया जी, फिर पूरी दुनिया ने आपको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। कितनी बड़ी बात है। तो प्यार है, मोहब्बत, सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है। उसके बाद उसके बाद स्कूल जाना ही नहीं हुआ। अच्छा। इतना मसरूफ रहा फिर काम के अंदर। और फिर वो एजुकेशन दरअसल लाइफ के अंदर जो जिंदगी का तजुर्बा होता है वो रियल एजुकेशन होता है। अरे वाह, क्या बात, जो जिंदगी हमें सिखाती है। और फिर के इम्तिहान में भले ही फेल हुए लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में जिंदगी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है। अच्छा सर, आपने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का कोर्स भी किया कर जी 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 जी। तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था कि जैसे घर का कोई बच्चा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो जी, तो घर वाले उसको काम बताते बेटा बल्ब बदल दे जी, बेटा पंखा ठीक कर दे जी। तो आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे तो कभी घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा ले बेटा पजामे में नाड़ा डाल दे? मेरी माँ नहीं, मेरी माँ के पेटीकोट सीता था। अरे क्या बात है, सच्ची में। और मेरी खुशनसी भी है। अरे वाह, और मेरी माँ आखिर तक पहनती थी। क्या बात, प्यार से जी। सही में कभी पिताजी का पजामा नहीं सिला? नहीं, डैडी ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी माँ मुझसे बोलती थी कि तेरा ये हुनर भी मुझे रख मेरे पास जी। बहुत सर, आपकी कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूंगा मैं जी, जैसे दुकान जी, मार्केट कीमत जी, कंपनी, इन सारे नामों को सुनके ऐसा लगता है बिजनेस की बातें हो रही हैं जी। कहीं आपने फिल्म में जानबूझ के तो नहीं करी कि घर वालों को दिखाऊं मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर का कोर्स कराया, पढ़ाई बेकार नहीं गई? नहीं, दरअसल क्या है, कंपनी बिजनेस कंपनी से मेरे ऑडियो रिलीज हुए जी, ऑडियो कैसेट दुकान और मार्केट में बिके। तो ये है सब फंडा। अच्छा जी, जैसे आपके माताजी और पिताजी दोनों कव्वाल थे जी, और बहुत बड़े कव्वाल थे जी, नामी, तो अमूमन क्या होता है आम बच्चे अगर गलती कर दे घरों की तो उनको सजा देते हैं कि 50 उठक बैठक लगाओ, मुर्गे बन जाओ। तो आप गलती करते थे तो उनकी सजा कैसी होती थी, या वो आपसे ताली बजवाते थे कि 50 ताली बजाओ ऐसे? नहीं, और जब आप ताली बजाते थे उनको लगता था यार ये तो सही कर रहा है, फिर आपको कोरस में चांस दिया? नहीं, आई एम अ मोस्ट लकी पर्सन, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले जी। और मैं दुआ करता हूँ कि सभी को ऐसे माँ बाप मिले कि जो मेरे गलतियों को भी वो सोचते थे कि चलेगा, ठोकर खाएगा और फिर सुधरेगा। क्या बात। तो वही है कि अपना वो राणा साहब का शेर था ना कि हवा के दोष पे रहने दो जलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। क्या बात। तो हमारी माँ अब्बा बहुत ने क्या बोले, अब बस तो उनकी जात जो कुछ भी मैं हूँ बस उन्हीं की बदौलत हूँ जी। तो सर शुरुआत कैसे हुई, आप जाते थे ना बचपन में उनके साथ? हाँ, मैं कोरस करता था मम्मी के साथ जाके, अब्बा के साथ जाके। माई मदर बिलोंग्स टू ठाकुर फैमिली जी, हाँ, और माई फादर इज़ मुस्लिम जी, तो शी कन्वर्टेड टू इस्लाम,
और उन्होंने ही मुझे नमाज पढ़ना और सब तस्बीह निकालना मम्मी ने सिखाया मुझे, तो आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, और मेरे लिए बहुत सब कुछ वो है। और उनके साथ मैं जाता था घरों में, घर के अंदर शायरों का आना और म्यूजिशंस का आना, रेसल्स होना, और फिर साथ में इधर फ्लोरा फाउंटेन पे HMV का ऑफिस था और उधर ही स्टूडियो भी था, तो वहाँ मैंने जगजीत सिंह साहब का स्ट्रगल देखा है मैंने। अच्छा। जी, उनके साथ वो वायलिनिस्ट होते थे भंवरलाल, उनके साथ वो सिटिंग करते थे, रफ़ी साहब को बाकायदा गाते हुए सुना है बचपन में, और महेंद्र कपूर साहब को, और बहुत अच्छे अच्छे तजुर्बे लाइफ के अंदर मिले हैं। तो कोई किस्सा है सर आपका रफ़ी साहब या जगजीत साहब के? नहीं, वो तो दूर से, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ऐसी होती थी ना कि बस वो खाली चुपचाप उधर वो एक ही स्टूडियो के अंदर उधर लाइव पूरे म्यूजिशियन बैठे रहते थे और वो सब, तो एक दो झलकी हम, मैंने एक 4-5 टेक होते थे तो उसमें एक टेक हमने देख लिया, तो फिर बाद में फिर वो प्राइवेसी होती थी सबकी अपनी। अच्छा सर, हम जब आपके गाने सुनते हैं, पहली बात तो इतनी सुपरहिट एल्बम, तुम तो ठहरे परदेसी के लिए एक बार जोरदार गाने, आपके गाने जब हम सुनते हैं ना सर, तुम तो ठहरे परदेसी जी, आज की रात ना जा परदेसी, फिर आपने परदेसी बाबू फिल्म में भी एक गाना गाया जी, तो इससे एक बात तो कन्फर्म है कि लड़की बाहर की थी जी। अब वो कितने बाहर की थी, ऑटो से चले जाते थे, ट्रेन लेनी पड़ती थी या फ्लाइट? नहीं तो उस वक्त तो फ्लाइट का तो माहौल था ही नहीं। अच्छा। क्योंकि आर्टिस्ट तो बने नहीं थे, तो ये बात कन्फर्म है लड़की इंडिया की थी जी। तो बस मैं तो ट्रेन का बहुत शौकीन था उस टाइम पे लोकल, क्योंकि उस वक्त ऐसी भीड़ नहीं होती थी लोकल में। मैं जब म्यूज़िक सीखने भी आता था इधर लोखंडवाला में, तो हार्बर लाइन सेंडस रोड से पकड़ के, मैं टोंगरी पे रहता था, तो उधर से सेंडस रोड से डायरेक्ट हार्बर लाइन, आराम से इत्मीनान से किताब पढ़ते हुए, ये पूरी बेंच खाली, और यहाँ फिर वहाँ से फिर बस पकड़ के फिर आता था फिर मैं, तो ज़िंदगी के सभी मज़े लिए हैं, जनरल क्लास के भी मज़े लिए हैं, ट्रेन के, फर्स्ट क्लास के भी, जनरल क्लास के, फिर बाद में फिर करम है। सर, जो शादीशुदा आदमी होता है ना जी, वो ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता है कि घर की सब्जी लानी भूल जाता है जी, फिर बीवी डांटती जी, आप अपने गानों में इतने बिजी रहे, आप शादी करना ही भूलिए। हाँ, तो वही डांट का अक्सर ख्याल आता था। अच्छा, डांट से बचने के लिए? और डांट से, क्योंकि मम्मी डैडी कभी डांट नहीं पड़ी जी, तो फिर बीवी की कैसे डांट झेल पाऊंगा मैं। तो सर बताना चाहेंगे कि या कुछ नहीं, मैं कुछ अपने काम में मसरूफ रहा और कुछ तकदीर को मंजूर था, फिर बाद में हमारे मम्मी डैडी ने मीडियम क्लास होते हुए भी हमको इतना अच्छा रखा और इतना अच्छा है, सभी भाई बहन, हम दो भाई दो बहन, बहनों को सबको बाकायदा अच्छे से अच्छा कपड़ा और सब पहनाना, तो इतनी मेहनत मेरे लिए की, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उनको, तो उस हिसाब से फिर मैंने उस तरफ गौर ही नहीं किया, और कुछ आसपास के मसले भी देखा है मैंने, तो और भी दिल डर गया। ऐसा क्या खौफनाक दिखी सर आपने? अरे बहुत बहुत, हालांकि अगर आप शादीशुदा है तो आप भी कुछ छुपाएंगे। लोग अब बंधन में बंध गए हैं, तो लोग जाहिर तो कर ही नहीं सकते, जिसकी वो दिल की जो बीती वो ही जाने जिसके दिल पे बीत रही है। पर सर, आपके जो मम्मी पापा थे उनके बीच में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जी, भी थे, तो आपने कुछ कभी कुछ ऐसा, तो आपके बाकी भाई बहन क्या करते हैं? हमारे मेरे भाई बहन सब अपने 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 ने, एक तो हाउस वाइफ है मेरे, मैं सबसे बड़ा हूँ उसका, मेरे से छोटा उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है अशफाक करके, फिर यास्मीन जो उससे छोटी है तो वो हाउस वाइफ है, उससे छोटी उसका लॉजिस्टिक का काम है, तो सब अपने अपनी जगह पे सेटल है। शादीशुदा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता है जी, रिलेशनशिप वाला लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है जी, और जिन लड़कों का ब्रेकअप हो जाता है जी, वो आपके गानों के साथ रहता है। अरे वाह वाह जी जी जी, 5-7 महीने इकट्ठा, कभी कोई लड़का ऐसा मिला कि अल्ताफ साहब थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा ब्रेकअप आराम से कट गया? मैं तो क्या, ऐसे 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 कॉमेंट आते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने भी जो मेरे सुनने वाले, आप यकीन मानिए, एक मेरे पास ऐसा मैसेज आया कि मैं ज़िंदगी में आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपके गाने सुन के मैंने इरादा बदल दिया। क्या बात है, सच झूठ बोल रहा हूँ, कोई मैं कभी अपना भोपू नहीं बजाता, कभी मुझे बड़ी बात करने की आदत नहीं, लेकिन ये जो मेरे दिल को लगा ये कमेंट, वो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तो दर्शकों, अल्ताफ साहब अपने गानों से सिर्फ गम ही नहीं देते, जिंदगी भी देते, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपके गाने सर लोगों के बहुत काम आए जी, जैसे आपने कहा ना अभी कि किसी का मैसेज आया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, फिर आपके गाने सुन के मैं रुक गया, ये वाकई में तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती, जिंदगी बचा ली।
आपके गाने आम आदमियों के बहुत काम आए, सिर्फ आशिकों के काम नहीं है जी, जो आम आदमी है, घरेलू आदमी है, शादीशुदा, उनके भी बहुत काम आए। जैसा आपका गाना था ना, दिन है इतवार का मजा लीजिए, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इतवार को करना क्या है। जी जी जी, वो सो के काटे जा रहे थे यार, इतवार चलो सो जाओ, फिर आपका गाना इसलिए कह रहा हूँ मजा लीजिए। तो उन्होंने तो मजा लिया, आप इतवार में कैसे मजा लेते हैं? मैं तो इतवार के अंदर, देखिए हम आर्टिस्टों का तो ऐसा है, क्या इतवार क्या सोमवार, ज्यादातर इतवार और सैटरडे तो हमारा शो के अंदर ही बिजी रहता है, तो सफर में ही ज्यादा कटता है। तो कभी एयरपोर्ट की कॉफी पी ली है, कभी एयरपोर्ट पे थोड़ा फ्लड भी कर लिए। एयर होस्टेस, मतलब आपको अगर फ्लाइट लेनी हो तो पहले आप चेक करते हैं कौन सी फ्लाइट के एयर होस्टेस? नहीं, उस टाइप का बंदा नहीं। अच्छा। फ्लाइट तो वो डेफिनेटली सामने वाला कुछ देगा भाव, तो भाव कैश करना चाहिए ना। अच्छा, अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से नहीं, सामने से आए। हाँ, सामने से तो कुछ ना कुछ कैश कर लेना चाहिए। हम तो आपके गाने सुन के मजा लेते हैं जी। आप किसके गाने सुनते हो? मैं तो देखिए सबके गाने सुनता हूँ मैं, खास करके देखिए गुलाम अली साहब के, जगजीत सिंह जी के, नुसरत फ़तेह अली खान और रफ़ी साहब, किशोरदा, लता जी, आशा जी, इन सबको सुन सुन के मैं कुछ यानी सीखा हूँ। मम्मी डैडी से तो बाकायदा तो मेरे गुरु ही समझ लीजिए, उस्ताद ही है। और फिर बाद में जो बाकायदा जो गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी हैं, इकबाल खान साहब है, प्रकाश शर्मा जी है और मोहम्मद शफी नियाजी साहब है, इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने इस गाने से रिलेटेड एक सवाल और था, जैसे ही गाना है कि थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, दिन इतवार का मजा लीजिए, तो प्रोड्यूसर ने इस गाने के पैसे आपको तुरंत दे दिए थे या जब आप मांगने गए उन्होंने कहा थोड़े इंतजार का मजा लीजिए? प्रोड्यूसर ने मेरे सामने ब्लैंक चेक रख दिया था। क्या बात, आप तो सर एडवांस लीजिए। आप यकीन मानिए ब्लैंक चेक रख दिया था। लेकिन मेरी ईमानदारी ये कि जो वर्थ वाइल था वही मैंने वो उसके अंदर भरा। आपने कहा ना ईमानदारी वाली बात की, ब्लैंक चेक रख दिया, लेकिन मैंने वो ही लिया। आपकी सर हम गायकी के नहीं, हम आपकी सादगी के भी फैन हैं। लोगों को बता दूं सर, आप जानते हैं कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन सर बहुत सादगी से रहना पसंद करते हैं। मैंने फ़ोन करा तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, मैंने कहा मेरे अल्ताफ साहब से बात हो रही, मुझे लगा उनके मैनेजर हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं कपूर मैं बात कर रहा हूँ। और मतलब सर ऐसे फकीर आदमी ऑटो से निकल पड़ते हैं, पैदल निकल पड़ते हैं, तो सर फकीरी ये जो सादगी, क्योंकि हमारा क्या है, हम जैसे बंदे को ना कुछ पैसे आ रहे हैं तो हम गले में चैन डालेंगे पहले, फिर थोड़े और चैन तो है मेरे भी गले में, नहीं फिर थोड़े और आ जाए तो हाथ में डालेंगे सर जी, और फिर उसमें हीरे जड़वा लेंगे। हाथ भी हीरे भी है सब, पन्ना भी है, हीरा है, पन्ना है, जी जी जी, फिरोजा है, सवाल ही खड़ा हो गया। नहीं पूछिए, आपकी पर्सनैलिटी में वो सादगी है सर जी जी, ये मेंटेन, मतलब लोग ना एक बार शो ऑफ बिजनेस है जी जी जी, तो वो उनको लगता है शोशा, लेकिन आप में नहीं है सर, आप में एक लगता है सुकून ठहरा जी, ये कैसे मेंटेन करा? दरअसल देखिए मैं जो चाहता था ना संगीत के अंदर जी, मैं गजलों का बहुत शौक रहा हूँ, और वो तुम तो ठहरे परदेसी, आवारा हवा का झोंका हूँ, ये सब गजल ही है, और मैं चाहता था कि गजल को एक नए अंदाज में पेश करूँ ताकि लोगों तक पहुँचे, और वो जो मेरा मकसद था मैं उसमें फुलफिल हो गया, और वो फुलफिलनेस ने मुझे उसका उसकी तरफ झुकाया कि उसने मेरी बात सुनी तो मुझे भी उसके लिए कुछ मेरा डेडिकेशन होना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने आप को एकदम हम्बल रखता हूँ, यानी हम्बल क्या, बस पहले से भी नेचर भी ऐसा ही है, तो जब इंसान की कुछ विश फुलफिल हो जाती है तो मेरा सभी से मेरी गुजारिश है कि उसको आसमान में नहीं बल्कि और ज़मीन पर आ जाना चाहिए, तो इससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, और आपको कभी कुछ लॉस भी हुआ तो आपको गम नहीं होगा, और प्रॉफिट भी होगा तो आपको, हमारे उस्ताद कहते थे कि ज़्यादा नर्वसनेस भी नहीं शो के टाइम पे रखना, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना, आपने जितना रियाज किया है उतना ही आप गा सकोगे, तो ज़्यादा नर्वसनेस से भी सुर नहीं लगेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस से भी सुर अलग हो जाएंगे, तो इसलिए माइंड को बिल्कुल एक बैलेंस की तरह रहना चाहिए। क्या बात, एक शेर होगा सर? शेर, अब शेर नहीं पढूं के शेर पढूं? जो 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 ठीक है जी जी, हाथ से परमानेंट हो जाते, यंगस्टर बैठे हैं ना सर, हाथ से परमानेंट हो जाते, दिल के एंगेजमेंट हो जाते, हाथ से परमानेंट हो जाते, दिल के एंगेजमेंट हो जाते, तुमने झांका ना कार से वरना
सैकड़ों एक्सीडेंट हो जाए। जानलेवा शेर। अच्छा कव्वाली आपने बहुत गाई है सर, फिल्मों में भी गाई है, तो अब फिल्मों से कव्वाली कम होती जा रही है जी। अभी रिसेंटली गंगूबाई काठियावाड़ी में थी जो लास्ट मैंने सुनी थी। मैं दरअसल बताऊं, अब फिल्मों में ज्यादा हो गई कव्वाली। अच्छा। वो इसलिए कि पहले तो कभी हम किसी से कम नहीं है। चलिए कव्वाली है अगर दुश्मन बर्निंग ट्रेन में है, जी, जी, जी। है ना, पल दो पल का साथ हमारा, और अमर अकबर एंथनी में चलिए, पर्दा है पर्दा, शिरडी वाले साई बाबा, अब तो सब नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली सब आ रही है ना, कव्वाली का ही जमाना है कि नहीं? रील में तो वही चल रहे हैं जी, और वो अपना वंस अपॉन अ टाइम के दो तीन गाने देख लीजिए, और डर्टी डजन के दो तीन गाने देख लीजिए, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, कव्वाली टाइप ही है ना जी, जी। तो अब बल्कि अब कव्वाली ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, ये सवाल किस टीम ने बनाया मेरी टीम से? वो मुझे बाद में मिले जरा। प्रबुद्ध भाई यही बैठे, प्रबुद्ध भाई इन्होंने कहा था ये वाला सवाल जरूर पूछना, तो इसके लिए आप प्रबुद्ध सौरभ जी को दोष दे सकते हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं। जी जी, शायर उनका भी शेर सुनेंगे सर जी जी। एक बार प्रबुद्ध भाई के लिए तालियां हो जाए सर। यहाँ तक मजा आ रहा है? हाँ हाँ। कोई आगे एक छोटा सा मूवमेंट है सर हमारा कि जैसे हर सेलिब्रिटी को फैन बड़े पसंद होते हैं कि भाई वो फैन के से घिरा रहे चारों तरफ से, लेकिन कभी कभी ऐसा फैन घेर लेता है सेलिब्रिटी भी सोचता है यार ये पीछा कब छोड़े जी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई पीछे लग गया और आपने सोचा यार गुरु ये तो वैसा तो लग गई हो? नहीं नहीं, तो लड़के ही जी। नहीं 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 नहीं, लड़के भी तो बहुत, बिहार के तरफ जब मैं जाता हूँ तो फिर तो बहुत ही एकदम, और यूपी के तरफ जाता हूँ तो वो तो एक से बढ़कर एक मिलते हैं। फिर तो फिर सर वो कुछ काम वाम का जॉब रुका तो मुझे याद कीजिएगा। अच्छा, ये सर वैसा आप जा? लगते भी ऐसे हैं सर जैसे बैंक के सीईओ। हाँ वेरी गुड, चलिए ये तो भी एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। इसीलिए वो कहते होंगे सर कुछ काम वाम दिला दो। हाँ अगर होता तो मैं दिलाता मैं बैंक के अंदर। कभी वेयर्ड फैन मिला सर ऐसा पीछे ही पड़ गया हो या फोन लगा के सुन कह रहा तो हो जाए? नहीं तो फिर उनके लिए अच्छा सा शेर सुना के पीछा छुड़ा लेते हम। वही हो जाए सर। हाँ क्या, मिलने के इस नगर में ठिकाने बहुत से थे, तुम दिल से चाहते तो बहाने बहुत से थे, जब होश आ गया तो न जाने किधर गए, जब होश आ गया तो न जाने किधर गए, पहले तेरी गली में दीवाने बहुत से थे। अच्छा सर, आम घरों में मेहमान आते हैं तो उनके सामने बच्चा छोड़ देते हैं जी, चलो बेटा अंकल को डांस करके दिखाओ जी, गाना गा के दिखाओ। आप इतने बड़े सिंगर हैं, आप कभी किसी रिश्तेदारी में जाते हैं वो आपके सामने बच्चा छोड़ते हैं? नहीं तो आज तक तो कभी ऐसा मौका तो मिला नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, क्योंकि नहीं क्या शायद उनके बच्चों को गाने का शौक नहीं होगा। हाँ। जी डांस वाला नहीं करवाया कभी? नहीं 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 कभी। या उनको डर ये होगा कि हमारा बच्चा तो बेसुरा ही गाता है, अल्ताफ साहब तो पकड़ ही लेंगे कहीं आना बदला करते? नहीं नहीं ऐसा कभी कुछ ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ। अच्छा, सर आप इतने सुरों के जानकार इतने माहिर हैं, आपके सामने नहीं हिम्मत कर सकता? अरे नहीं 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 भाई, एक अच्छे से मेरे जैसे अच्छे अच्छे कलाकार है इस इंडस्ट्री के अंदर जी। आपका सर जो तुम तो ठहरे परदेसी इतना बड़ा सुपरहिट हुआ वो आधे घंटे की लगभग है ना? मैं 15 मिनट का है। 15 मिनट का। अच्छा आपने 15 मिनट जैसा किसी लाइव महफिल में सुनाया तुम तो ठहरे परदेसी खूब अपना मजे लेके? 45 मिनट का ना, तो 45 मिनट सुनाया और कोई पीछे से आया हो दो पैक मार के उसने कहा वंस मोर, आपको लगा यार 45 मिनट तो अभी यही गया? नहीं नहीं, फिर वापस से फिर 45 मिनट। चलो शायरी पे, शायरी ऐसे ऐसे भी है फैन जो रखते हैं महफिल, तो उनके 5-6 गाने फिक्स है, वो 3-3, 4-4 बार गवाते हैं। कितने एक आखिरी है सर कि दुनिया में आपने पूरी दुनिया ट्रैवल करी है सर जी, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर कोई ऐसी जगह जहां आपको लगता हो यार यहां बहुत दिल से सुनते हैं जी, और कोई एक ऐसी जगह जहां आपको लगे यार ये तो बस सुनते ही नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सुनते ही नहीं है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके वो सुनने वाला ही बुलाए सुननी पड़ती है फिर सुनने वाला ही बुलाएगा और ज़्यादातर तो एब्रॉड के अंदर तो वीज़ा और ये सब आदमी तभी खर्च करेगा जब उसकी चाहत होगी आर्टिस्ट की, तो ये तो एक रीज़न ही है पूरा कि जब चाहने वाले होंगे तो ही बुलाएंगे। दूसरा कि यूके के अंदर बहुत अच्छा सुनते हैं, यूएसए में बहुत अच्छा सुनते हैं, तो जहाँ तक मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जितनी भी महफिल मिली है आज तक मुझे, इवन रशिया मॉस्को में। अच्छा। हाँ वहाँ बिहार के बहुत से हैं उधर। अच्छा
हाँ बिहार के तो खैर हर जगह है। हाँ अच्छी बात है, हमारे प्रबुद्ध जी भी है उधर के। नहीं और डेफिनेटली मैं जब बिहार भी जाता हूँ ना तो देखिए मेरी मुंबई के बाद मुझे फर्स्ट सेकंड सिटी कोलकाता और उसके बाद पटना मुझे बहुत पसंद होती है, फिर लखनऊ। तो ये इधर का ज़रा खाना और सुनने वाले ऐसे बिहार के अंदर तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इतनी इज्जत देते हैं और बहुत इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वो जो उनके नाम से जो अपना वो रूमर्स है बिल्कुल उसके ऑपोजिट। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर ये। मैं 2015 में फर्स्ट टाइम बिहार गया था तो मैं डरा हुआ था जी, क्योंकि लोगों ने ऐसी बिहार है, और मैं सच बता रहा हूँ बिहार से ज्यादा सम्मान जी, वहां से ज्यादा प्यार। बेशक, बेशक। मेरी इतनी उम्र नहीं है लेकिन जो मेरे से थोड़े छोटे थे आके पैर छूते मैं मना करता था, कहते नहीं आप हमारे भैया हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत इज्जत देते हैं। और खाना पीना, एक बार सर मेरे पास पैसे नहीं थे जी, तो मैं ढाबे के सामने से 2-3 चक्कर काट लिए, तो उसको समझ नहीं आया मैं रोज खाना खाता आज क्यों नहीं आ रहा, कहता भैया अंदर आइए ना जी। मैंने कहा तो पैसे ही नहीं है गुरु। कह रहा भैया कैसी बात करें, आप खाना खाइए पैसे क्यों क्या जी जी। एक बार बिहार के लिए सर, कभी कभी ना सुनने वाले तो जब थोड़ा लगा ले प्राइवेट महफिल में तो आपने 2-3 गजलें गा ली, आधा पौना घंटा माहौल बन गया, तो कभी किसी ने टाइट बंदे ने आके कहा कि अल्ताफ साहब गजलें तो बहुत होगी अब कुछ भांगड़ा हो जाए कि नाचने का मन है, बोल देते हैं? नहीं नहीं सही बात है, तो उनके लिए मेरा अपना भांगड़ा का तो नहीं कहा लेकिन कुछ थोड़ा वियर्ड फरमा थोड़ा, तो फिर मेरे गाने हैं कर लो प्यार कर लो प्यार कर लो, उनको थोड़ा फिर डांस का मौका मिल जाता है, और इश्क और प्यार का मजा लीजिए है क्या बात, और बहुत से यारों मैंने पंगा ले लिया उनके लिए ही बने हैं सब। क्या बात है, तो आपने हर मूड के मिजाज के हिसाब से बनाए हुए। आप कह रहे थे कर लो प्यार, मैं आपके गाने के से ही शुरू करता हूँ। आपका एक गाना है इसी में, तुम तो ठहरे परदेसी में ही है, उस क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे लाइन आती है, जब उसमें आपने पूरा 12 मासा गा दिया जी, पूरा साल पूरा 12 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च पूरा, तो आपने पूरा कैलेंडर बना दिया अपना जी। एक कैलेंडर आता था हमारे देश में किंगफिशर का जी, जो विजय वाल्या साहब निकालते थे हॉट जी, जी जी। तो इस गाने के बाद उनका कॉल आया कि अल्ताफ साहब आ जाओ साथ में कैलेंडर निकालते। नहीं अगर वो मेरे जगह फीमेल सिंगर होती तो जरूर। बच्चों का एक वो है, आपसे गुजारिश है, आपके गाने से पहले जनवरी से दिसंबर से पहले वो जनवरी फरवरी मार्च याद नहीं कर पा रहे थे जी, तो आपके गाने से उन्होंने वो याद कर लिए जी। अब उन्होंने फरमाइश भेजी है कि अल्ताफ साहब को बोलो कि पहाड़ों पे भी 2-3 गाने बना दें जी, टेबल होते ना 1-2 बोलो उस पे भी एक गाना बना दें जी, तो उसके लिए तो ऑलरेडी बन चुका है ना 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 जावेद साहब ने ऑलरेडी लिख चुका है। मैंने तो बड़ी मार खाई सर, वो जनवरी फरवरी याद ही नहीं होता था, फिर आपका गाना सुना तो तब याद हो जी, तो आपने मुझे पढ़ाई में भी हेल्प करी थी। नहीं तो वो आप किसी से दिल लगा लेते तो फौरन याद हो जाता। जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे के हम सफर हो तुम राह जिंदगी में, कितना हंसी जमाना आया था मार्च लेकर, राहे वफा पे थी तू वादों की टॉर्च लेकर, बांधा जो अहद उल्फत अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई जलने लगा जमाना, हर शख्स की जबां पर था बस यही फसाना, दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना लब पे थी गर्म आहें, जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम, थे आसमां पे बादल और मेरी आंखें पूर्णम, माहें अगस्त में जब बरसात हो रही थी, बस आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी, कुछ याद आ रहा है वो माह था सितंबर, भेजा था तुमने मुझको तरके वफा का लेटर, तुम गैर हो रही थी अक्टूबर आ गया था, दुनिया बदल चुकी थी मौसम बदल चुका था, जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई, मुझसे तुम्हें छुड़ाने सज कर बारात आई, बेकैफ था दिसंबर जज्बात मर चुके थे,
मौसम था सर्द, उसमें अरमां बिखर चुके थे, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बहुत कमाल सर। और इसका सेकंड पार्ट भी है, आप सुनिए गौर से, यूट्यूब पर ये तुम तो ठहरे परदेसी पार्ट सेकंड, इसके अंदर कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई की दूसरी कहानी है, वो सुनेंगे तो और भी और मजा आएगा। अच्छा, मतलब ये दूसरी लड़की थी कोई? हाँ, बस ये समझ लीजिए। हाँ, पार्ट टू बनाना पड़ा। जी, या पहले वाली नहीं मान रही थी जो दूसरा बनाना पड़ा? नहीं, वो चली गई थी ना, तो फिर इसलिए। अब क्या है, आना जाना लगा रहता है। जिंदगी का नाम आना जाना है। वो बप्पी दा का गाना भी ना, आना जाना लगा रहता है, दुख जाएगा सुख आएगा। बहुत प्यारे हैं सर आप। जी 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 सर, आप इतने मासूम हैं। तुमने कहा था मुझसे अब जनवरी में मिलना। हाँ। मेरे मकान के पीछे पतली गली में मिलना। ये बिल्कुल, मैं बस हिंट दे रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही उसके अंदर एक वो अपना अमेरिका से एक आता है और वो उसकी शादी होकर चली जाती है और फिर वो उससे भी ब्रेकअप हो जाता है, वो स्टोरी है उसके अंदर। जी, अभी आपने कहा कि पतली गली में मिलना, ये महबूब महबूब को पतली गली में क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें खिड़कियां कम होती ना। क्या बात है। और अगर लड़की का भाई आ जाए तो फिर महबूब पतली गली से निकलता है। फिर चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से जाते हैं, खिड़की से निकलते हैं। क्या बात है। अरे सर, आपने, आप कहते हो कि भाई मैंने शादी नहीं करी, ये नहीं करी, पर आपके अगर गाने हम देखें, ये नॉटी बड़े हैं। जी, कि दरवाजे से जाते हैं, खिड़की से निकलते हैं, पुरानी सड़क पे नया मकान किसका है? जी 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 जी, और एक्सपीरियंस तो सभी को होता है भाई। कोई पाक पतीजा नहीं होता है। पर मेरा सवाल ये था, आप इतने मासूम है, इतने प्यारे हैं, क्यूट लगते हैं अपने, तो कभी जब आप बैंक में जाते हैं तो वो फॉर्म भरना पड़ता है लोन के लिए या वैसे ही देते हैं अल्ताफ साहब? नहीं नहीं नहीं, मैं प्रायोरिटी कस्टमर हूँ तो पहले इज्जत देते हैं मुझे, और नाम से भी पहचानते हैं, तो सब काम वो लोग ही भर के देते, बस मेरी सिग्नेचर खाली करना बाकी। साहब सिग्नेचर कर दो आप। जी जी, क्या बात, क्या बात। तो ब्याज वो आम लोगों वाले लेते हैं या आपको छूट भी देते हैं? नहीं भाई, इस मामले में तो गवर्नमेंट किसी से रियायत नहीं करती और बैंक का अपना उसूल होता है। एक आपका सर किस्सा है कि आपने बचपन में गाना सुना था फिरोज खान साहब और नरगिस दत्त जी का, दिल की गिरह खोल दो, तो ये जो आपके दिल की गिरह खुली, जी, ये फिरोज खान साहब को देख के खुली या नरगिस जी को देख के खुली? जल दरअसल ये कंपोजिशन से खुली है जी, शंकर जयकिशन जी ने इसे कंपोज किया था, बाद में मैंने पूरी डिटेल निकाला था उस गाने की, और शैलेंद्र जी ने लिखा था, और उसके अंदर मेरे लिए एक मैसेज वो आया, वो ऊपर वाले का एक लिंक रहता है कि भाई दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो कोई गीत गाओ, उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन, उसका पिक्चराइजेशन, और लता जी ने और मन्नाडे जी ने ऐसा गाया था कि बस वो दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो कोई गीत गाओ, आज भी आप सुने हो तो वो उसका एक एक नोटेशन मुझे याद है पूरा उसका पूरा। मुझे मन्ना डे सर बहुत पसंद है। जी जी, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू। मुझे मन्ना डे का एक गाना वो बहुत पसंद है, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने, बहुत से कस्मे वादे प्यार वफा सब, और एक वो भी है ना, नदियां चले चले विदा। हाँ, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कितना कितना प्यारा है, क्या आर्टिस्ट है मन्ना डे साहब। ऐ मेरी जोहरा जबी, ऐ मेरी जोहरा जबी, आए हैं वो तो मेरा फेवरेट है, अभी भी मैं रिमिक्स और वो दोनों सुनता हूं। जी जी, पता नहीं मुझे पुराने गाने सुनने का बड़ा शौक था सर। सर वो उसी में म्यूजिक मिलेगा आपको, मेलोडी मिलेगी और उसमें आपको काव्य मिलेगा, शायरी मिलेगी, तो इसलिए वो आज भी लोग सुनते हैं, सिर्फ हाइप है, ये 40 मिलियन, 50 मिलियन, बस चक्कर, ये चक्कर है, वो नजरों का, आजकल नजरों के लिए गाने बनते हैं, पहले कानों के लिए गाने। क्या बात। वो गाना जब सर सुना आपने नरगिस जी वाला दिल की, तो वहाँ से आप में चेंज आया लाइफ? जी जी, बता सकते हैं कि वहाँ से किस तरफ क्या चेंज ये आया कि बस मैं अपना बिगड़ा हुआ लड़का था, घूमता फिरता था, आवारागर्दी करता था, लेकिन वो उस गाने से जो दो अपना दो साल जो मेरे बर्बाद हुए उसको मैंने पूरा यानी सब दोस्ती यारी सब बंद और बिल्कुल अपने डेडिकेशन म्यूजिक पर ही पूरा फोकस रहा।
सर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ आप बिगड़े हुए थे, अदरवाइज हमें नहीं लगता आप बिगड़े हुए होंगे कभी आप कह रहे हो तो उसके बाद गाना सुन के बाद आप डीमोटिवेट से मोटिवेट की तरफ, मोटिवेशन की तरफ पूरा बाकायदा मम्मी से कहा कि मैं अपना ये बाकायदा ये इस पे फोकस करूंगा, संगीत पे फोकस करूंगा। कभी कभी गाने जिंदगी बदल देते हैं, बेशक फैक्ट है। और वह अपना ये मेडिकल्स के अंदर तो अभी निकला भी है ना, म्यूजिक थेरेपी भी निकली हुई। जी, जी, जी। आपकी जिंदगी एक फिल्म के गाने ने बदली, मेरी जिंदगी एक फिल्म के डायलॉग ने बदली। हीरोइन ने तो नहीं बदली ना फिल्म आदरणीय विद्या बालन जी की फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर। जी, अब उसको लोग पता नहीं डर्टी क्यों कहते हैं, लेकिन उसका एक डायलॉग था सर कि जिंदगी एक बार मिली है तो दो बार क्यों सोचना। जी सही बात है। मैंने अपना झोला झमटा उठाया, नौकरी छोड़ी और निकल लिया। जी क्या बात, फिलॉसफी है तो पूरी कि जिंदगी एक बार मिली दो बार क्यों सोचना। सही बात है। पर तो सर एक्टिंग का ऑफर कभी आया भी नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं इस उस तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। और नहीं कभी मेरा मैंने कहा ना कि यही मेरा मेरे लिए बोनस मिल गया कि मैंने तो प्लेबैक सिंगिंग का भी नहीं सोचा था। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले ने बस माँ बाप की दुआएं हैं कि मैं कव्वाली से सिंगर, सिंगर से पॉप सिंगिंग और कहाँ से कहाँ जिंदगी की मोड़ लेते हुए आया इस सफर पे पहुँचा हूँ। पर सर जो भी करा आपने बात कमाल करा है। एक गुस्ताखी माफ वाला सवाल पूछना चाहूँगा सर, फिर वही की बात कि आप खूबसूरत तो इतने कभी फेयरनेस क्रीम का ऐड आया? आएगा तो जरूर करूंगा मैं। अच्छा आएगा, अभी आएगा तो जरूर करूंगा मैं। किसी महिला मित्र ने टिप्स तो जरूर, टिप तो जरूर मांगी होगी आपसे कि अल्ताफ साहब? बहुत से लोग, बहुत से हैं। एक रांची में शो थे तो हाथ लगा के देख रहे थे, बोले कि ये स्किन का नहीं नहीं जो है रियल जो है, हाँ उसका स्किन का राज क्या है। अच्छा। मैं बोला मैं तो ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ दिन भर और रात को रियल जो से वो बता रहा हूँ मैं कि भाई रात को मैं जो ऑयली फूड है मैं रात को खाता हूँ, दिन में और ब्रेकफास्ट में भी सब स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट खाता हूँ बस। महिला फैन ने कहा कि ऐसी स्किन तो हमारी भी नहीं है, शाइनी है। अब उनको मैं कैसे बताऊं कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा तू जब पैदा हुआ था उसका आधा गोरा है, तू इतना गोरा था, बताइए क्या बात। अच्छा जी, नहीं गोरे तो हैं सर। हाँ लेकिन मेरी माँ बोलती थी कि इससे भी ने आधा गोरा है तू, तो आप सोच लीजिए कि अब वो माँ के लिए तो खैर सभी बच्चे उसके प्यारे होते, लेकिन माँ तो झूठ तो नहीं बोलेगी। तो कभी विदेश गए हो सर आप, इसका गोरेपन का फायदा मिला? वहाँ जैसा पूछते हैं ना एयरपोर्ट पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट, आपको तो कह देते होंगे अरे तो अपना ही है। नहीं मगर इंडियन इंडियन की बनावट और चाल चलन तो फौरन नजर ही आ जाता है ना, वो देसी बन जाता नहीं है ना। अपना ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। तो सर आपके गाने ने ना ऐसे हैं, पी लो इश्क दी विस्की है जी, कर लो प्यार जी, तो कभी किसी लड़की ने आके कहा नहीं बोलो आप तो हमसे तो कराए जा रहे हो, आप एक बार भी नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, तो अपना वो इसके अंदर कर लो प्यार में पिंकी चिनोय है साथ में, तो हम लोग दोनों बराबर स्टेज पे रोमांटिक, स्क्रीन पे थोड़ा बहुत कर भी तो रहे रोमांस। सही है, सही है। एक वो भी सुना था मैंने कि कव्वाली में ये होता था उस टाइम पे जो लाइव प्रोग्राम होते थे कि कोई भी गाना हिट हुआ तो उसकी पैरोडी करते थे। पैरोडी करते थे जी, तो जी। आप भी लिखते थे सर पैरोडी? पैरोडी में लिखता नहीं था मैं, लेकिन उस टाइम पे हम शो के अंदर जाते थे तो जरूर गाते थे। अच्छा। जी जी, तो उस टाइम का कोई शेर याद है या जो पापा ने पहला कुछ कहा हो? पापा ने तो बहुत से ने शेर कहा नहीं है, उन्होंने मुझे किताब उनका कलेक्शन रहता था तो उसके अंदर से कलेक्शन से वो सब वो निकाल के मुझे देते थे। अच्छा। और वो कैसा कलेक्शन उनका ने उनकी किताब देख देख के फिर मैंने सीखा कि कलेक्शन कैसे करना चाहिए। अच्छा। जैसा भी नज़र में धूप ख्यालों में रात करने लगे, जहाँ मिले वो बिछड़ने की बात करने लगे, तो ऐसे ऐसे सब शेर वो एक मुंतखब सब करना, यकजा करना, अपने नोट में रखना और उसको याद करना, उन्हीं से सीखा। क्या बात। तो आपके मम्मी पापा की कोई एक ऐसी सलाह सर जो आपके काम आई हो हमारे दर्शकों के लिए आप बताना चाहें कि भाई कुछ जीवन की कुछ ऐसी बात लाइफ के बारे में जी आपको याद हो? लाइफ के बारे में तो बस वो यही कहते थे कि भाई जो भी करो सोच समझ कर करो, जिंदगी तुम्हारी अपनी है, खुद जिम्मेदार बनो और तजुर्बों से कभी मत घबराना। अच्छा होगा या बुरा होगा तजुर्बा ही तुम्हारे को राह दिखाएगा और सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा होता है। क्या बात, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर। सर ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर। ऑडियंस में से कोई? सर मुझे ये पूछना था कि जैसे बचपन में मैं सच में बहुत छोटी थी ना तो मैं अक्सर आपके एक गाना सुनती थी कि जा बेवफा जा तुझे प्यार नहीं करना, और मेरे बस्ती के हर एक दूसरे घर में बजता था ये गाना।
तो बेवफाओं की बस्ती थी वो। तो मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि बेसिकली आपको मतलब प्यार हुआ है सर, मतलब सच्चा वाला आपको हुई कि नहीं किसी से? मुझे हुआ है। फिर नहीं? हर किसी को हो जाती है टीनेज के अंदर। ये अब ये कोई अब ये नई बात तो नहीं है, हर किसी को किसी से अपना होता ही है किसी से, और वो टूट भी जाता है। दरअसल क्या है, हम आर्टिस्टों के साथ ये दिक्कत ये है कि हमारी बात है तो वो एकदम बहुत बड़ी हो गई है, और नॉर्मल आदमी के साथ हुई। मगर मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, आम इंसान का दिल टूटना भी उतना ही मायने रखता है जितना बड़े इंसान का दिल टूटता है। सर, मेरा नाम दिव्या शर्मा है। नमस्ते। नमस्ते विद्या जी। सर, बचपन और पहाड़ों में बीता है, तो वहाँ पर रेडियो, आकाशवाणी, इनका तो बहुत कल्चर है। हमने बचपन से वो गाने सुने हैं सर आपके, और सच में नहीं पता था कि उस एल्बम के इतने गाने इतने हिट होंगे कि हमें हर बार वही सुनने को मिलेंगे। जी, तो ये तो कल्चर पुराना था, और अभी भी गांव कस्बे में ये कल्चर है कि पुराने गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं, और ख़ासकर जो ऐसे ऐसे रेडियो स्टेशन होते हैं जहाँ पे लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं, वहाँ पे ये है। लेकिन आप कितना रिलेट करते हैं आज के म्यूज़िक से? देखिए, सबसे पहले तो आपने नाम कहा विद्या, तो दिव्या तो दिव्या के अंदर भी तो एक ज्योति रहती है ना। तो आप भी खुद महसूस करती होगी कि देखिए, हमारे इंडियन के अंदर डीएनए के अंदर है सब, जो सितार, बांसुरी और वॉयलिन, हारमोनियम, तबला, ढोलक, तो ये इंडियन के डीएनए में, जब तक कि ये नहीं सुनने में आएगा तो इंडियन होता ही नहीं है वो। और जो रॉक और जाज म्यूज़िक है, ये जब कोई नया कपड़ा या कोई नया फैशन निकलता है तो हम भी उसकी नकल करने लगते हैं ना, तो उस तरह से लोग नकल करके सुनते हैं। दिल से जो सुनते हैं वो इंडियन म्यूज़िक ही सुनते हैं। और दूसरी बात, आजकल का जो है अपना जो एरा चल रहा है वो सिचुएशन वाइज नहीं है। पहले के फिल्मों में सिचुएशन होते थे, तो ये जो है ये आँखों के लिए बनते हैं। आजकल आप किसी के भी घर के अंदर म्यूज़िक सिस्टम नहीं होगा, कोई है म्यूज़िक सिस्टम बताइए मुझे, सब आप मोबाइल के अंदर ही सब सुनते होगे। बहुत तो हेडफोन लगा के थोड़ा स्टीरियोफोनिक आपको मिलता होगा सुनने के लिए, तो उसके अंदर वो मज़ा आता ही नहीं। लोग ज़्यादातर तो देखते ही रहते, मैं कितना देखता हूँ फ्लाइट के अंदर, लोग इतनी सी मोबाइल के अंदर फिल्म पूरी लगा के वो देखते रहते हैं। तो फिल्म का भी ये स्टैंडर्ड आ गया है कि अब वो छोटी मोबाइल पर आ गई है। कम से कम हम तो VCR में देख सकते थे, अब मोबाइल पर देखते हैं फिल्म। तो ये है बात कि इंडियन जो है उसके DNA में जो इंडियन सॉन्ग है, मधुरता है, जो शायरी है, आज का म्यूज़िक मैं इंजॉय नहीं कर सकता। मैं कब वो कभी कभार दिख जाता है मोबाइल में, दिख जाता है, मैं अपने सॉन्ग्स और शोज के अंदर बिजी रहता हूँ। जी, और कोई मेरा भाई? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम मनोज वर्मा है सर, और पूरी दुनिया आपकी फैन है, तो मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा जी, शुक्रिया। लेकिन सर, मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है सर। पूछिए। आपका ये गाना आया था ना कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तो मैंने सोच लिया था सर परदेसियों से नैन में टक्का नहीं करना। ये हंसने की बात नहीं, सीरियस बात है। तो सर, मुझे अपने मोहल्ले की सुषमा से प्यार हो गया, और मैं उसे आपके गाने सुना के इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, और वो इम्प्रेस हो भी गई, और आपके बहुत बड़ी फ़ैन थी सर वो भी। तो जब मैंने सर उसे प्रपोज़ किया तो उसने मुझे आपका गाना सुना दिया, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। और सर, मुझे इंतज़ार करते हुए 8 साल हो गए, अब मुझे नहीं लगता उसका पति मानेगा सर इस्ते। ये हंसने की बात नहीं है, प्लीज़ सीरियस है। तो सर, मुझे मेरी शिकायत आपसे ये है सर कि मैं कितना और इंतज़ार करूं, या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं? आपने तो इंतज़ार वाले गाने पे ख़त्म कर दिया, आपने कोई नया गाना बनाया नहीं, तो मैं वो गाना आपको याद है, वो भी अनजान थी, मैं भी अनजान था। उससे वादा ना था, वो भी अनजान थी, मैं भी अनजान था, उससे वादा ना था, कुछ इरादा ना था, बस यूं ही डार्लिंग कह दिया, ओ यारो मैंने पंगा ले लिया। अब ये गाना सुनिए आप, और इससे तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता जी। सर, अच्छा ये मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इसके बड़े एक्सपर्ट हैं जी, आप मास्टर हैं इसमें, डिग्री वगैरह ली हुई है आपने, जो ये प्यार मोहब्बत है,
ये कहते हैं कि पहला प्यार पहला होता है, फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं पहला दूसरा कुछ नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई कि पहला प्यार पहला ही है, मतलब कौन से वाला ठीक है? बशीर बद्र साहब का शेर है, दूसरी कोई लड़की, पहले उसका मतलब सुना देता हूं मैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या बात है? अब आपके जवाब दे रहा हूं, उनका ही शेर है। दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। ए, क्या बात है? आपके लिए भी देख लिए, आपके लिए भी जो अभी तक उसका सदमा लेके बैठे हैं महाराज। और कोई है मेरा भाई बंधु दोस्त? असर वो दूसरी भी चली जाए तो तीसरी। अरे यार मतलब फिर तो विश्वास खत्म हो जाता भाई। अरे दो तो वो धंधे की भी पूछ लो कि सर करियर कैसे बनाए, की दूसरी भी चली जाए तो तीसरी, जैसा देश वैसा भेस। कैसा लगा सर आपको? सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत अच्छे आप, सभी माहौल अच्छा है जी। अल्ताफ साहब ने कहा थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, स्कोर प्यार का मजा लीजिए, हमारा ये शो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अल्ताफ साहब का भी अगर आप इनके नए गाने सुनना चाहते हैं तो अल्ताफ रजा ऑफिशियल इनका यूट्यूब चैनल, वहाँ आप जाइए और इनके चैनल। नई नई शायरी मिलेगी आपको, नए नए शॉर्टीज मिलेंगे और नए नए गाने आपको मिल जाएंगे, तो आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। लोग बहुत से फैंस बोलते सर आपका कोई नया गाना नहीं आता, मगर आजकल के लोग इतने आईडी हो गए, ये नेट ने इतना आईडी बनाया कि वो सर्च नहीं करना चाहते, बस जो दिख गया 40 मिलियंस तो बस उसी को वो कर लेंगे, जो गया 30 मिलियंस तो उसी को वो कर लेंगे। अपने कानों का दिमाग लगाइए, कौन आपके कानों को अच्छा लगता है उसको सुनिए आप। अच्छा सर, मास्टर कैमरे में देख के आपको बताना कि शो में कैसा लगा आपको, मजा आया, बातचीत कैसी रही जी, और बाकी गेस्ट हाउस का एक्सपीरियंस आपका और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा अच्छा जी जी, क्या चैनल? गेस्ट हाउस विद विभोर चौधरी, गेस्ट हाउस विभोर चौधरी, इधर बताना जी जी, आप कहीं भी बता दीजिए जी 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 जी। हेलो दोस्तों, मुझे आज यहाँ पर आकर गेस्ट हाउस विद विभोर चौधरी बहुत अच्छा लगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इनका चैनल गेस्ट हाउस विद विभोर चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए, इनके हर वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप उसको वायरल कीजिए, क्योंकि लोग कुछ अच्छा कंटेंट देख सके आज के इस टेंशन भरे ज़माने में। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, मुझे तो बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच, मेरा सपना पूरा हो गया सर आपसे मिलने का और आपके साथ बैठ के शो करने का, ड्रीम कम ट्रू, ऊपर वाला वाकई मेहरबान है। अरे सच्चे सच्चे दिल से चाहो तो हर चीज़ मिल जाती है। क्या बात है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू सो मच अल्ताफ साहब, माय प्लेजर, हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, हो दिले बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। क्या बात, क्या बात।